नमस्कार, आप सिटी पोर्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 जो है वो पटना के ज्ञान भवन में लगाया गया है। ये जो निवेश है वो बिहार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो यहाँ ज्ञान भवन में आई हुई हैं। जो निवेशक हैं उनके द्वारा लगाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जूतों का लगाया गया है, बैग का लगाया गया है और जैकेट का और कई भी और भी जो ये है वो लगाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर कंपनियाँ जो हैं वो बिहार के हैं और बिहार से ही अपना प्रोडक्ट बनाकर देश विदेश में भेजा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं आप? मैं दानापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं क्वालिटी इंचार्ज हूँ। मेरा इन फैक्ट्री जो है जिल फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड सिचुएटेड इन वैशाली हाजीपुर, और अभी न्यूली सेटअप फैक्ट्री है। 3 मंथ रनिंग हुआ इसका। 3 मंथ हाँ, 3 मंथ रनिंग है इसका। हेडक्वार्टर मुंबई में है और हम लोग अभी रेनवेयर स्टार्ट किया बनाना। प्रोडक्ट बनाते कहाँ से? मुंबई से बनाते हैं या बिहार से? बिहार से बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर वैशाली। ज़्यादातर लोग ब्रांड पे जाते हैं तो आपने भी कोई ब्रांड का नाम दिया है? इसका ब्रांड का नाम है जिल और फैक्ट्री का नाम है जिल फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। हेड ऑफिस इन मुंबई। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है आपके जैकेट का? एक नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल किस रेंज से स्टार्टिंग होता है और किस? इसका होलसेल प्राइस है 550 to 950। हाँ, विंटर वियर मतलब 500 लेकर 900 तक लास्ट हो जाता है। 500 से स्टार्टिंग होता है, 550 to 950 रेंजेस है होलसेल प्राइस। देखिए, और भी कुछ कंपनियां हैं जो कि यहाँ निवेशक हैं वो आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ का बैग का जो है वो निवेशक लगाए गए हैं जी। कहाँ से हैं आप? ये मुजफ्फरपुर बिहार से। एक्चुअली हम लोग की फैक्ट्री मुंबई की है। मुंबई में 21 ईयर्स से फैक्ट्री थी और रहने वाले बिहार के थे, तो ये हुआ कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। तभी 2 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बिहार में बना रहे हैं। बिहार में फैक्ट्री बना रहे हैं? बेला। पहले कहाँ से बनाते थे? पहले महाराष्ट्र मुंबई। आपका प्रोडक्ट जाता कहाँ कहाँ है? हमारी प्रोडक्ट ऑल इंडिया जाता है और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हम लोग टॉप सेलर है और ऑनलाइन पे काफ़ी बड़ा सेल होता है। प्लस रिटेल शोरूम है पूरे इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूटर और अपने शोरूम के थ्रू बेचते हैं। जी अच्छा, इसमें आप लोगों को रोजगार के लिए जो बोले कंपनियां बैठा रहे हैं, उसमें कितने लोगों का जो है वो जगह रखे हुए हैं, सीट रखे हुए हैं? देखिए, बिहार में जो फैक्ट्री बढ़ रही है यहाँ पे टोटल 2500 के आसपास अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और टोटल फैक्ट्री में लगभग 7500 लोगों की ज़रूरत होगी। तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में 500 वर्कर काम करते हैं जिसमें 90% लोग बिहार के हैं। जो आपका कस्टम ब्रांड है, कस्टम ब्रांड जो है वो बैग ही बनाता है या और कुछ भी बनाता है? कॉस्मस हमारे जो ब्रांड है वो बैग्स में ऑल टाइप्स ऑफ बैग, मतलब बैग्स में 2 तरह के बैग होते हैं, सॉफ्ट लगेज और हार्ड लगेज। तो अभी तक हम लोग महाराष्ट्र में सॉफ्ट लगेज बना रहे थे, बिहार में जो फैक्ट्री डाल रहे हैं इसमें दोनों बनाएंगे, सॉफ्ट एंड हार्ड, जिसमें इंजेक्शन मोल्डिंग पे ट्रॉली वगैरह बनेगी। तो ऑल टाइप्स ऑफ लगेज एसेसरीज से लेके प्रोडक्ट तक यहाँ बनेगी। लोग ब्रांड पे जाते हैं, आपका ब्रांड का नाम रखे हैं कशमश, और क्या इसकी प्राइस है, कितनी प्राइस से स्टार्टिंग है और कितनी प्राइस तक अंत है? देखिए, एवरेज कॉस्ट जो अगर देखेंगे, स्टार्टिंग स्कूल बैग देखेंगे तो लगभग 399 से शुरू होती है और लगभग 5000 तक कॉस्ट जाते हैं। हाँ, 5000 तक जाते हैं। MRP नहीं है, सेलिंग प्राइस। जो एक्सक्लूसिव बैग होती है उसमें मतलब एवरेज कॉस्ट अगर देखेंगे तो लगभग 1500 के आसपास का ऑल प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट होता है। चलिए, तो आपने देखा, आप फिर और देख सकते हैं कि और भी जो कंपनियां हैं और भी जो देखिए स्पोर्ट्स शूज हैं, ये भी एक ब्रांड है, ये भी बिहार के लोग बना रहे हैं और इनसे बात करेंगे जी। आपका कौन सा कंपनी है? हमारा RKD स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है और मेरा ब्रांड का नाम फोटोन है और हम कंप्लीट स्पोर्ट्स शू रेंज प्लस अदर स्लीपर्स चप्पल्स सैंडल्स हम बना रहे हैं। और मैं पहले बाटा इंडिया में था, उसको छोड़ करके मैं यहाँ पर आया हूँ और पिछले 1.5-2 साल से हमने फैक्ट्री सेटअप किया है और हम इकलौते बिहार में है बाटा इंडिया के बाद जो कि हम पूरा कंप्लीट स्पोर्ट्स शू बना रहे हैं। जो स्पोर्ट्स शू बना रहे हैं आप, इसका रेंज क्या है? रेंज है 799 से लेकर के 1299 तक अभी करेंटली। लोग ब्रांड पे जाते हैं तो आपका ब्रांड का क्या नाम है? ब्रांड का नाम हमारा फोटोन है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रांड्स में जो मटेरियल लगे रहते हैं वो सिमिलर मटेरियल, सेम मटेरियल हमारे ब्रांड्स में लगे हुए हैं। सिर्फ वो ब्रांड वैल्यू के नाम पे आपसे 4000 रुपये लेते हैं और सेम मटेरियल हम लगा करके आपसे 1200-1400 रुपये में जूता दे रहे हैं। बट जैसे जैसे हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, हमारा भी मार्केटिंग का जैसे होगा वो बढ़ेगा।
ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा आपका, मतलब कहाँ का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन सा? अभी कंप्लीट बिहार में जा रहा है, कंप्लीट बिहार में जा रहा है, और बनाते बिहार से ही है? हाँ, पटना से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर पालीगंज एरिया है, उसी पे हमारी फैक्ट्री है। जो आपका रोजगार मेला में आपका ये जो निर्देश लगा हुआ है, तो हाँ। क्या आपके यहाँ कोई लोगों को रोजगार के लिए भी अवसर प्राप्त होगा? यस, डेफिनेटली हमारे यहाँ ऑलरेडी 50 वर्कर काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे हमारे जो टारगेट है कि 100+ वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देना। देखिए, और भी कुछ कंपनियां हैं, और देखिए जो जो लेदर शूज है उसकी भी एक कंपनी है जो कि यहाँ निवेश है, निवेशक द्वारा निवेश लगाए गए हैं, हमसे भी बात करेंगे। जी, आपका कौन सा ब्रांड है? क्या ये हमारा सर? यस सर, ये दो तरह का शू बना रहे हैं, एक रशियन के लिए बना रहे हैं सर, एक लंदन के लिए बना रहे हैं, सेफ्टी एंड फैशन दोनों के लिए बना रहे हैं, बट ये दोनों स्पोर्ट्स और ये हमारा एक रशिया एक लंदन के लिए। ये ब्रांड है हमारा सर जो फैशन का है, वो द उल्फ लंदन, एक डोनांडी, द डोनांडी करके दो ब्रांड बन रही है जो हमारा लंदन जा रहा है। एक ये रशिया जा रही है सर, ये हमारा रशिया का प्रोडक्ट है, ये हमारा कस्टमर है, जिस टाइप के प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, ये सब रशिया बन के जा रही है। तो क्या आपका जो ब्रांड है वो देश और विदेश में भी जाता है? हाँ यस सर, देश विदेश में जाता है। क्या आपका कॉस्ट होता होगा? नॉर्मल प्राइस जो है यहाँ का, जो नॉर्मल प्राइस है 2000 रुपये होते होंगे, तो वहाँ रशिया और विदेश में क्या कॉस्ट होता होगा? जैसे कि सर, हमारा बाहर जो सेलिंग है वो डॉलर में होती है, तो डॉलर में सेल हो रही है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग जो होती है, सेलिंग का कॉस्टिंग सर, जैसे इसका हमारे एक शूज़ का कॉस्टिंग है, ये मतलब सेलिंग का कॉस्टिंग $600 $500 हर एक शूज़ का अलग अलग कॉस्ट होती है, उसी $600 $500 में सेल हो रही है वहाँ पर। हम लोग का यहाँ कॉस्टिंग सर 2000-3000 कॉस्ट जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप रहने वाले कहाँ सर? हम बिहार से ही है। अच्छा, बिहार के। आपका प्रोडक्ट तैयार कहाँ से होता है? सारा कुछ बिहार से हो रही है सर। यस सर, बिहार से होता है और विदेशों में जाता है? यस सर, यस सर, बिहार से हो रही है हमारा सर, यहाँ तक कि वर्कर लोग सब कुछ हमारा बिहार के ही है। जो मटेरियल है कुछ बिहार से अरेंज हो रहा है, कुछ मटेरियल हमारा दिल्ली से आते हैं, कुछ मटेरियल मुंबई से आते हैं, कुछ मटेरियल चेन्नई से आते हैं, इस तरह से हमारा ऑल ओवर मतलब अरेंज होके हमारा बिहार में प्रोडक्ट ओके होके हमारा बाहर लंदन और रशिया के लिए जाती है। तो आपने देखा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट जो है 23 का जो निवेश लगाया गया है, इसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिहार में बनते हैं और विदेशों में जाते हैं। हम लोगों से बात किए तो लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना हमारे साथ। धन्यवाद।